सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल सॉटी टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और काइनमास्ट एप्लीकेशन के मदद से। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसे आप एक बहुत प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ग का इंटर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को काइनमास्टर में चला जाना होगा। मैं काइनमास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का कहना है कि यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 16:9 का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को, ब्लैक बैकग्राउंड। चलिए मैं ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इसको बढ़ाकर आप लोगों को 7 सेकंड तक कर देना है। उसके बाद 7 सेकंड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए मैं बताता हूं कैसे लगाना है। तो सबसे पहले उसके बाद तो चलिए यही वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि इसको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे, चलिए वीडियो में चालू करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कुछ इस प्रकार का वीडियो है। आप लोग क्या करना है देखिए, यहाँ पे 3 सेकंड के बाद आप लोगों को 3 सेकंड के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पर अपने YouTube चैनल का लोगो लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना YouTube चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे, आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इन एमिनेशन में जाना है। आप लोगों को इन एमिनेशन में जाने के बाद यहाँ पे पॉपअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे 1 सेकंड तक ही होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, राइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। सेंड टू बैक वाले ऑप्शन, तो सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया मैं। उसके बाद क्या करना है, इस पर राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो पर जाना है। वीडियो पर जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा इसको नीचे जाना है। उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा आप लोगों को, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन वाला ऑप्शन होगा, स्क्रीन वाला, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर सेलेक्ट कर लेना है स्क्रीन वाले ऑप्शन को। स्क्रीन वाले ऑप्शन को जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लोग का देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंट्रो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए कुछ इस प्रकार का इंट्रो बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त कर लेते हैं।